गुड मॉर्निंग गाइस, कौन बाप में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी साहब तो मॉर्निंग में ही दरबार चले गए थे, मैं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मेरी हो रही है तबीयत खराब। तो मुझे करना है, मेरे को कहा है रेस्ट, मैं रेस्ट कर रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो मैं आराम कर रही हूँ और उठी तो मैं बहुत देर की हूँ, बट तबीयत इतनी खराब हो रही है कि मैं इसे उठा ही नहीं जा रहा है, इसलिए आज मैं रेस्ट कर रही हूँ। और आपको एक चीज़ याद हूँ, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ मतलब ये क्या चीज़ है जो जो रात दिन हमारे साथ रहती है, मतलब बहुत अलग चीज़ है, बहुत अच्छी हो गई भाई कसम से, बस हवा निकल गई। हम कुछ कर नहीं सकते, रीजन बताती हूँ क्यों, क्योंकि आई भाई ने देखे थे, एक दिन आए थे तो उन्होंने देखे थे कि इसके पास दो अंडे हैं और अगर हम इसे छेड़ेंगे तो ये अपनी चोट से फोड़ देगी, तो हम इसे छेड़ नहीं सकते। इसलिए आई भाई ने ये बोला और वेब साहब ने बोला है कि जब तक ये बच्चे ना हो जाए तब तक हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो ये अपने बच्चों को अपने अंडों को फोड़ देगी। अब ये बहुत दुविधा वाली बात हो गई, हम नहीं छेड़ सकते क्योंकि अगर हमने छेड़ा तो बच्चे खराब कर देगी। शेयर करती हूँ, देखो हमें भगवान ने शरीर दिया है तो हमें उसकी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतने आलसी हो गए हैं ना कि केयर करना छोड़ देते हैं। मेरे नॉन में एक ऐसे ही एक किस्सा हुआ है दांतों को लेकर, आपकी टीथ को लेकर। तो क्या हुआ, उसने 20 दिन ब्रश नहीं किया, 20 दिन ब्रश ना करने की वजह से उसकी जो दांत थे उनमें कैविटी हो गई थी, बहुत ज्यादा येलोपन आ गया था। तो वो गया डॉक्टर के पास, उसे लगा कि उसके दांतों में दर्द भी हो रहा है, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला मैं आपके दांत साफ कर देता हूँ आपके दांतों में, वरना कैविटी हो जाएगी बहुत ज्यादा। उसने जब तब तो डॉक्टर ने चेक नहीं किया, उसने सफाई करी, जब देखा तो उसके 6 दांत में मतलब कीड़े थे और उनको निकालना पड़ गया। तो कहने का मीन्स ये है कि आप देखिए, जो नेचुरल चीज़ है ना शरीर की वो नेचुरली है, अगर आप उसमें कुछ छिड़खानी करते हैं, वही वाली बात है, आप प्रकृति से कुछ छिड़खानी करते हैं तो उसका नुकसान होता है, उसका साइड इफेक्ट होता है, इफेक्ट ही होता है क्योंकि आप उस नेचुरल चीज़ को छेड़ रहे हैं, वो नेचुरल नहीं रहती। फिर तो वैसे ही हर चीज़ है अपने शरीर की, चाहे वो दांत हो चाहे वो कुछ भी हो, आप अगर उस नेचुरल चीज़ की केयर नहीं कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं, उससे छेड़खानी कर रहे हैं, तो वो नेचुरल तरीके से रहती ही नहीं है ना, फिर वो अपनी है ही नहीं। तो मेरा कहने का मीन्स यही है बस कि आप अपनी केयर कीजिए, भगवान ने जो दिया है, भगवान ने जो आपको बनाया है, जैसा बनाया है, जैसी चीज़ें दी उनकी केयर कीजिए, क्योंकि अगर हम उनकी केयर करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। मेरे पास इतना सा कहना था। तो भाई मैं नहा चुकी हूँ, मेरा नहाना जरूरी था, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे कैसे, लेकिन जब तक मैं नहा ना लूँ तब तक मुझे फ्रेश फील नहीं होता। अच्छा मैं आज आपके साथ एक रेमेडी शेयर करती हूँ, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, बहुत बार मींस बहुत ही बार। तो रेमेडी क्या है मैं बताती हूँ आपको, आप लोगों को क्या करना है, कभी भी आप हेयर वॉश करें ना तो जो शैम्पू है उसको वाटर में मिक्स करें, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा डालें, उसमें आप नारियल पानी भी डाल सकते हैं, उसमें आप आंवला रीठा का पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं और उसके बाद आप अपने समय यूज कीजिए। रिजल्ट इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मतलब माइंड ब्लोइंग। मैंने ट्राई करके देख लिया, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। ये तो होगी रेमेडी की बात। तो हम नहा चुके हैं, मैं सोच रही हूँ अपने लिए बना लूँ चाय। वैसे तो चाय मैं कम पीने लगी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि चाय पी लेते हैं, क्योंकि ना कहते हैं एक आदत होती है, इंडियंस में एक आदत है ना कि जब बैठते हो तो आपका मन कर जाता है कि आप चाय पी लो, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय पी लेती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स चाय पी लेते हैं। जल्दी से जल्दी योगा विद कोमल को और कोमल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो कैसे लग रही है ये भी मुझे बता दो। जल्दी ही योगा विद कोमल में योगा क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हेल्दी भी तो रहना जरूरी है। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ वीडियो कैसे लग रही है।